में घंटा घर पे गिर गया था और उसके बाद में बेहोश हो गया था। इसके बाद मुझे 108 द्वारा हॉस्पिटल दमोह जिला चिकित्सालय भेजा गया और उसके बाद मैं बेहोश हो गया और डॉक्टरों ने मुझे दवाई करने की जगह बहुत मारा है और बहुत पटका है और सीसीटीवी कैमरे पर अंदर ड्रेसिंग रूम में पर्दा लगा दिया था ताकि मेरी कोई भी घटना अंदर की ना आ सके। और मेरे 15,000 रुपये निकल चुके थे, मेरा मोबाइल निकल चुका था, मेरा आयुष्मान कार्ड निकल चुका था। इसके बाद इन्होंने मुझे नाइट में भर्ती नहीं किया और मुझे गेट पर डाल दिया जहाँ पर स्लिप कटती है भर्ती पर्ची की। और जब मेरी पत्नी 10 बजे सुबह पहुँचते हुए हॉस्पिटल पहुँची तो उसको मैं गेट पर डला हुआ मिला। उसके बाद डॉक्टरों ने 12 बजे सुबह मुझे पत्नी की गहरी पर भर्ती कराया और उसके बाद में भर्ती करने के बाद में मुझे शाम को 6 बजे होश आया तो रोहित वार्ड बॉय के द्वारा बोला गया मेरी वाइफ से और मेरे से भी कि आप लोग घर चले जाओ वरना और घटना कर दूंगा तुम लोगों के साथ। और मुझे इस चीज़ की कोई भी खबर नहीं थी। जब मुझे होश आया तब मैं घर चला गया। फिर दूसरे दिन मैंने CM हेल्पलाइन पर शिकायत की कि मैं बेहोश था तो मुझे अपनी फुटेज चाहिए कि मेरे साथ कैसी दवाई हुई है, जबकि मैं सीट ऐसा गिरा हुआ था सिर के बल और मेरे चेहरे पर बहुत चोटें आई थी और मैंने 181 पर कॉल करके मैंने CC फुटेज की मांग की थी। जब डॉक्टर सुरेंद्र ने मुझे 12 दिन बाद CCTV फुटेज दिए और मेरे से 200 रुपये की रसीद कटवाई कि पहले रसीद कटवाओ इसके बाद दूंगा, उसके बाद CC फुटेज दिए गए और डॉक्टर सुरेंद्र ने अपनी राइटिंग में मुझे लिख के दिए थे कि 4 लोग नाइट की ड्यूटी में थे और पर्दा लगा के इन लोगों ने तुम्हारा गेम किया है, पर्दा लगा के तुम्हारा पैसा निकाला और मारा है। इसके बाद में मैंने CCTV फुटेज की मांग की और मुझे वीडियो मिल गए। मैंने कलेक्टर साहब को दिया, SP साहब को दिया और सूबा कोतवाली में भी अवगत कराया। इसके बाद मेरे इसमें कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया अभी तक, ना मुझे कोई न्याय मिला है। मैंने इसलिए आवेदन दिया कलेक्टर साहब को कि कोई गरीब आदमी के साथ दोबारा ऐसी घटना ना हो जिला चिकित्सालय में, इसलिए मैंने ये सब किया है। आज एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें CCTV फुटेज दिखाए गए हैं जिला अस्पताल दमोह से संबंधित, और जिसमें ये बताया गया है कि एक मरीज़ के साथ कथित तौर पर अस्पताल कर्मचारियों के द्वारा बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया गया। इस वीडियो का तत्काल संज्ञान लिया गया है और इसके पहले भी इस संबंध में एक दो दिन पहले मेरे पास इस तरह की शिकायत आई थी और उसको हमने सिविल सर्जन को 3 दिन के अंदर जांच करके रिपोर्ट देने को कहा था। आज ये वीडियो भी उनको भेजा गया है जांच के लिए और कल तक इसमें जांच की कार्रवाई पूरी हो जाएगी और जैसी जांच हो जाती है जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।